आई थिंक अभी आपको स्क्रीन दिख रहा है। मैं फोर्स नोट को हटाता हूँ, 1 मिनट, बाकी लोग ज्वाइन कर रहे हैं किसी देर में। सो हाउ मेनी, हाँ कैन सी द स्क्रीन, क्या कह रहे हो? ठीक सो वी कैन सी द स्क्रीन। है। सो ये वाले क्वेश्चन में आई वाज आस्किंग हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। सो यू आर लाइक कि वी नाउ नो द नंबर ऑफ मोल्स। विच इज 5/9। And this means the number of molecules of H2O would be simply 5/9 into Avogadro's number. ठीक है? I hope इसमें किसी को कोई doubt नहीं है, right? Now, if I ask you a question, something in this way, that determine the number of mole of electron present in 10 ml of water. तो अब आप कैसे सोचोगे? चैट पे लिख के भेजो। पहली बात तो मतलब काफी सारे बच्चों का लाइक दिमाग थोड़ा सा खराब हो जाएगा कि ये व्हाट नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, लाइक वी डोंट हैव अ फॉर्मूला फॉर दिस, लाइक वी हैव नॉट स्टडीड द फॉर्मूला फॉर दिस। ठीक है, सो दिस इज वेयर यू विल नाउ नीड टू अंडरस्टैंड एंड बहुत सारे गलत गलत आंसर भी आ रहे हैं मेरे पास में। ठीक है, एंड इट्स ओके। कैसे वर्क करना रहेगा आप यहाँ पे नोटिस करना। ठीक है, यहाँ पर पे क्लोज अटेंशन। Determine the number of electron present in 10 ml of H2O. So, one thing which you must realize is that there is no direct formula. ठीक है, ऐसा नहीं है कि one step formula लगाया और answer आ गया, जैसा पिछले questions में आ रहा था, right? पिछले questions में कैसा था? फॉर्मूला लगाया आंसर आ गया, फॉर्मूला लगाया आंसर आ गया। क्यों? बिकॉज बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ये थोड़ा सा अब ट्रिकी सा क्वेश्चन है। यहां पर द वे इन विच योर अप्रोच योर सॉल्यूशन विल कम आउट टू इज इन द फॉलोइंग मैनर। आप बेसिक फॉर्मूला अप्लाई करोगे एंड देन उसके बाद में लॉजिक लगाओगे। ठीक है, कौन सा लॉजिक? यूनिटरी मेथड वाला। ठीक है, बेसिक लॉजिक जो कि आप लोग पता नहीं कितने टाइम से सीखते आ रहे हो, अप्लाई करते हुए आ रहे हो, राइट? यूनिटरी मेथड वाला लॉजिक कैसा लगेगा वो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, दीज आर गोइंग टू बी टू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स दैट यू विल नीड टू डू व्हाइल सॉल्विंग क्वेश्चन।
ठीक है, बेसिक फॉर्मूला आपको कैसे क्लिक करेगा, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ सब्सटेंस आप ये बेसिक फॉर्मूला स्टार्ट करोगे। आप कैसे बोलोगे दैट वॉल्यूम ऑफ H2O, लाइक द सब्सटेंस इज इन फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये आपको दिया हुआ है 10 ml, एंड आपको डेंसिटी दिया हुआ है H2O का 1 g/ml, राइट। सो दिस मीन्स मास ऑफ H2O कितना आ जाएगा, 10 g, ठीक है। एंड देन यू विल अप्लाई दैट बेसिक फॉर्मूला विच मेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स, ठीक है, यही आपने सीखा है, तो यही बेसिक फॉर्मूला आप अप्लाई कर दोगे विल बी इक्वल टू 10/18। यस, बस इसके आगे अब आपका फॉर्मूला नहीं हेल्प करने वाला आपको, ठीक है। इसके आगे अब आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ लॉजिक, बिकॉज द क्वेश्चन इज आस्किंग यू अबाउट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो डू यू हैव अ लॉजिक कनेक्टिंग H2O मॉलिक्यूल एंड इलेक्ट्रॉन? यस सर, यूनिटरी मेथड। सो आप यहाँ पे लॉजिक लगाना शुरू करोगे कि यार एक मॉलिक्यूल ऑफ H2O के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 10, राइट, 2 + 8 दैट इज 10 इलेक्ट्रॉन, यस सर, राइट, एक एक हाइड्रोजन का और 8 ऑक्सीजन के, राइट। सो अगर 1 mole H2O होगा, ठीक है, 1 mole H2O मॉलिक्यूल्स होंगे तो उनमें कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे, यू विल हैव 10 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यस सर, यस सर, राइट। मतलब इट्स मोल इज अनदर काउंटिंग, राइट, लाइक इफ आई से आई हैड 1 dozen मॉलिक्यूल, तो यू विल से आई विल हैव 10 dozen इलेक्ट्रॉन्स, सिंपल यूनिटरी मेथड से। सो नाउ दैट यू हैव 10/18 moles of H2O molecule that you have calculated, can you tell me how many moles of electron you would be having? So you just multiply 10/18 by 10. Yes sir, 50/9. Sir, 50/9 moles. Okay, this much will be your answer. Okay, not even multiply by Na. Na, yes sir. This is your answer. This many mole of electron will be your answer. If I would have asked, if the question would have asked number of electrons kitne hai? So 50/9 into Na. Yes. You would have gone about and told me the absolute number, saying that, okay, like 100/18 into Na. Okay, that is 100/18 into 6.02 into 10^23 electrons. Okay, samajh mein aaya? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So now, jab main ab aapko questions karwaunga, practice karwaunga, okay, of this simple mass mole relationship only. सो दिस मास मोल रिलेशनशिप में अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस में मैं पहले आपको इसी फॉर्मूला की प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है, एंड वंस यू आर कंफर्टेबल विद दिस, ठीक है, कैसे, बिकॉज समटाइम्स आई विल गिव यू मोल्स एंड मास एंड देन माइट आस्क यू एटॉमिक मास, समटाइम्स आई माइट गिव यू एटॉमिक मास एंड माइट आस्क यू मोल्स, ठीक है, एंड इनके बीच में घुमाता फिराता रहूंगा। वंस यू आर कंफर्टेबल विद दैट, देन साथ में आपको बेसिक लॉजिक अप्लाई करना रहेगा एंड यू विल हैव टू कम अप विद सच क्वेश्चंस के आंसर्स, ठीक है। अब इसी चीज को मैं डायग्रामेटिकली समराइज कर दूं अगर, तो एक मास मोल एंड नंबर ऑफ स्पीशीज इसका एक डायग्राम बन जाता है।
right? Diagrammatic representation. Of above discussion that we have done. कैसा रहता है वो उसमें like थोड़ा सा अच्छा सा बना लेते हैं ऐसे तीन circle बना लो right और उनको हम लोग आपस में connect कर सकते हैं. एक सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है मास इन ग्राम्स, ठीक है, मास ऑफ सब्सटेंस, व्हाट एवर दैट सब्सटेंस इज. नाउ इससे मैं क्या निकाल सकता हूं, मोल्स ऑफ सब्सटेंस, राइट? हाउ कैन आई डिटरमाइन दैट मोल्स? I would need to divide by atomic mass. Atomic weight, or depending upon whether the substance is molecular weight, correct? Chicken. And then, if I have moles of substance, chicken, so usse I should be able to get the number of atoms or number of molecules depending upon substance atom ke form mein exist kar raha hai molecules ke form mein exist kar raha hai kaise multiply by avogadro theek hai and I can also go in the opposite way around theek hai I might be given divide by avogadro's constant then I will get the number of moles by dividing by Avogadro's number, right? And then agar mujhe moles of substance mil gaye to I can then multiplying by atomic weight, atomic weight or you can say multiplying by the molecular weight I should get the mass of substance. Theek hai, to ye ek diagrammatic representation hai which helps you in comprehending questions in a better way. ठीक है, that क्या दिया हुआ है, क्या पूछा हुआ है, वो आप फटाफट figure out करके connect कर सकते हो. ठीक है, जैसे let me make you practice one or two examples. Say if I ask you determine the mass of 1 billion water molecules. ठीक है, determine mass, ठीक है, in grams. Of 1 billion water molecules. तो कैसे आप approach करोगे? Sir, first we need to find the number of moles. So divide by n, and then multiply by the multiply by atomic. ठीक है, बाकी लोगों को try करना. Molecular. Let others also take a shot at it. ठीक है, I hope ये diagram आपने follow कर लिया है. Okay, is the diagram clear? Yes. Okay, ab ye wala question try karo. Is diagram mein kya diya hua hai aapko abhi? Sir, number of molecules are atoms. Kya pucha ja raha hai? Mass. To aapko यहां से यहां ट्रैवल करना है, राइट? हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा. सो यू विल स्टार्ट विद नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स दैट विल बी इक्वल टू 10^9. Okay. Then if I ask you number of moles of H2O molecules, तो आपका क्या आंसर रहेगा? 10^9 / NA. Right.
And then if I ask you mass of H2O molecules. Multiplied by molecular weight. 218. Into its molecular weight. And ye grams mein aapka answer aa jayega. Abhi main simplify nahi kar raha hu, I'm just leaving it in fractions right now. I don't want to spend that time in calculations of it. Okay. So if you want a simplified answer here, we can assume Na is 6 only, right? 6 into 10 raised to 23. हाँ हाँ अगर आपका देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ऑप्शंस हैं दूर दूर है ठीक है राइट उस हिसाब से आप आंसर कर सकते हो ठीक है अच्छा चलो एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं सो डिटरमाइन द नंबर ऑफ oxygen atoms in say 22 grams of CO2 how many atoms of oxygen are there सर सर मैंने आपको आंसर मैसेज किया आप चेक कर सकते हो The correct answer is Na. Yes, sir. Have a good response. Right? कैसे निकाला होगा ठीक है different different approach हो सकता है आप लोगों का अभी जो मैं आपको सिखा रहा हूं एकदम जो स्क्रैच से बेसिक से हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं वो कैसे चल रहे हैं नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स और दिया सब्सटेंस CO2 है तो अगेन इट इज लाइक दैट इलेक्ट्रॉन वाला क्वेश्चन ओनली देयर इज नो डायरेक्ट फॉर्मूला दैट आई हैव ठीक है लाइक सब्सटेंस मुझे CO2 दिया हुआ है तो मैं CO2 के मॉलिक्यूल्स या CO2 के मोल्स बता सकता हूँ Right. This is what my diagram is going to help me with. Mass of CO2, moles of CO2, number of molecules of CO2. Right. इसी में मेरा वो diagram मेरा help करेगा. So यहाँ पर पूछा मुझसे number of oxygen atoms के बारे में. So here I can now understand that formula plus logic. This is the approach that is going to work for me. Right. So I start with whatever I can. I have been given mass of CO2, that is 22 grams. Now, अब मैं अपने डायग्राम पे मूव करना शुरू कर सकता हूँ ठीक है एटलीस्ट स्टार्ट मिला है ऑल्दो इनमें से कुछ भी चीज नहीं पूछी है मुझसे बट मैं एटलीस्ट इस पर ट्रैवल करके रिजल्ट तो निकाल सकता हूँ फिर कनेक्ट बाद में कर लूंगा ठीक है सो आई स्टार्ट ट्रैवलिंग ऑन दिस डायग्राम आई गेट moles of CO2 as 22/44 that is half mole right yes then if I ask you molecules number of molecules of CO2 kitne ho jayenge Na by 2 number 22/44 into Na correct now ab iske aage aur jana hai apne ko yes theek hai ab mujhe यहाँ तक का आंसर नहीं करना है ये मेरा यू कैन से फॉर्मूलाज हो गए दिस इज वेयर माय फॉर्मूलाज वर्क फॉर मी ठीक है अब इसके आगे मुझे
लॉजिक अप्लाई करना पड़ेगा. How will that logic work for me? CO2 and oxygen. What is it that I can see? That one molecule has two atoms of oxygen, right? So 22/44 Na molecule will have how many oxygen atoms? Two into that Na. Right. So mera answer aa jayega Na. Right. Clear? So we have to find the oxygen atoms or total number of atoms. No, oxygen ke atoms. Okay, so I was calculating. साफ साफ लिखा है डिटरमाइन द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 22 ग्राम CO2. सर सर वी कुड आल्सो से दैट द रेशियो ऑफ कार्बन इज टू ऑक्सीजन इन अ कार्बन डाइऑक्साइड एटम इज सी 1:2 सो देन वी विल हैव टू डू समथिंग लाइक दैट लाइक वी विल सो हाफ मोल्स ऑफ CO2 फॉर एवरी हाफ मोल ऑफ CO2 देयर विल बी 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन. मैं अभी जो एक्सप्लेन कर रहा हूं ना तो आई एम गोइंग बाय एकदम बेसिक्स ठीक है. तो इसीलिए आई एम मे बी यूजिंग अ लॉन्गर अप्रोच ठीक है. यू माइट बी एबल टू कम अप विद अ शॉर्टर अप्रोच एंड दैट कम्स विद मैच्योरिटी इट कम्स विद मोर एंड मोर प्रॉब्लम सॉल्विंग. सो डेफिनेटली यू कैन गो अबाउट दैट. हाउएवर स्टार्टिंग में जब मैं आप लोगों के साथ करूँगा तो मैं लाइक स्क्रैच से ही करता रहूँगा लॉन्गर अप्रोच से ही करता रहूँगा ठीक है. यस ठीक है. यू माइट फील कि अरे क्या सर मतलब like 44 gram CO2 we know 1 mole is 44 gram 22 gram matlab aadha mole matlab 1 mole oxygen matlab any atoms theek hai na right. So that will be the faster approach of course. Okay, good. You will become more and more fast with the different ways of working with it. Absolutely okay. Theek hai abhi main thoda sa starting mein sabke liye basic se hi karunga. Kitna samajh mein aaya? थोड़े से क्वेश्चन है जिनमें आई विल नीड टू टॉक अबाउट सम अदर थिंग्स एज वेल. 13, 16, 19 इनको छोड़ देना एंड FBS में से ठीक है do 1 to 10 ठीक है. क्या यूज करना है मतलब क्वेश्चंस भी याद है एक-एक सर. रीडिंग असाइनमेंट नहीं इसमें कुछ रीडिंग नहीं है मोल कांसेप्ट इज मोर देन टू बी प्रॉब्लम सॉल्विंग. तो सर एनसीईआरटी और वो पेज की बुकलेट नहीं पढ़नी? नहीं नहीं आप ये क्वेश्चंस पे ध्यान दो. ओके सर. तो पहले ये करो एंड देन उसके बाद में यू कैन return back to completing your atomic structure ka booklet. Okay, this is number one priority. Yes sir. Ha, main recording notes dono bhejunga. Theek hai. All right. Chalo. Theek hai. Let me scroll down from the FBS homework once more. Sir, I have a doubt. Patapat puchho. Sir, you told that 1 gram atom equals 1 mole of atom. Sir, so like 1 mole of atom is different from mole of atom of substance. No, 1 mole of atom means 1 mole of atom. That's it. Sir, so like in the diamond one example, sir, that we have to find mole of atom, na. Sir, so it should be one, na. Because 1 gram of. See, 1 gram atom. जो टर्म है ठीक है उस टर्म को हम लोग बोलते हैं 1 मोल ऑफ एटम ठीक है. मैंने जो आपको दिया अभी मैंने ये बोला ना दैट वी हैव 1 ग्राम ऑफ कार्बन या 1 ग्राम ऑफ डायमंड. मैंने ये थोड़ा यूज करा दैट आई हैव 1 ग्राम एटम ऑफ डायमंड. सर सो 1 ग्राम डायमंड ऑफ 1 ग्राम डायमंड मतलब जस्ट मास दिया उसका.
that 1 gram atom. Okay, so these are valid only for atom, molecules and ions. हाँ, and इसी तरीके से लिखा होना चाहिए that 1g-atom. कई बार hyphen खा जाते हैं, ठीक है, but इस तरीके से लिखा होगा 1g-atom या 1 gram atom. So okay. तब इसको ऐसे read करना है. So can we leave it homework again? हाँ. Sir, can you show that homework again? Sir, is class over? Can we leave? Yes, yes, definitely. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Take care, sir. Bye, sir. All right. Bye, sir. Thank you, sir. Sir? Bolo. Sir, you can hear me? Bolo. Yeah, sir. Just wanted to confirm, sir, for the previous chapter, how many DPPs have you given? I think 13 to 19. Haan, but wo 13 to 20 diya na. 13 ke pehle kuch nahi diya, right? Sir, last class you had asked us to make a formula sheet, sir, but actually my handwriting is not that good, so can I make that formula sheet on Word and then take a printout? I have made all the notes on my own. As long as you are making it by yourself. Yes, sir. That's okay. Sir, so is it okay? Yeah. Okay, sir.